हेलो मित्रों, मैं डॉक्टर अनिल लोहिया। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, हम देख रहे हैं कि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो कमेंट्स में क्वेश्चन ना करके पर्सनली क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन प्रत्येक व्यूअर्स को सेपरेट देना पॉसिबल नहीं हो पाता। इसकी कृपया आप कमेंट बॉक्स पर ही क्वेश्चन करें और वहीं पर हम उसका आंसर दिया करेंगे। मित्रों, इसके साथ ही हम आप सब लोगों को ये भी बताना चाह रहे हैं कि जो लोग अभी तक हमारे YouTube चैनल से नहीं जुड़े हैं, जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन है उसको भी दबा दें, जिससे तुरंत ही जैसे ही हम अपना वीडियो अपलोड करें उन्हें तुरंत ही नोटिफिकेशन में उस वीडियो की तुरंत ही जानकारी हो जाए। चलिए मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं बच्चों की हाइट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में। बच्चे लड़के हो लड़कियां हो, हर उम्र में उन्हें हाइट बढ़ाने का एक नया सा क्रेव डेवलप हो रहा है। उनके अंदर हाइट के बढ़ाने की बहुत ही इच्छा होती है। मित्रों, ऐसे कई सारे प्रोफेशन हैं जहां पर एक ऑप्टिमम हाइट रिक्वायर्ड होती है। कई सारे जॉब हैं जहां पर हाइट बहुत जरूरी फैक्टर माना जाता है। इसके अलावा भी एक सोशल स्टेटस में भी हाइट इम्पोर्टेंट होती जा रही है। प्रत्येक बच्चा ये चाहता है कि उसकी हाइट ज़्यादा हो। मित्रों, आज हम आपको इसी टॉपिक पर रिलेटेड कई सारी बातें बताएंगे जो आपकी हाइट को बढ़ाने में सहायक होंगी। साथ ही हम ये भी बताएंगे कि वह कौन कौन से कारण हैं जिनकी वजह से हाइट प्रभावित होती है और किन किन चीज़ों के द्वारा अगर हम वो उपयोग करें तो हाइट हमारी स्वाभाविक रूप से ज़्यादा बढ़ सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। मित्रों, बच्चे शुरू से लेके और लगातार लगभग 7-8 साल की उम्र तक अपने एज के अकॉर्डिंग हाइट को प्राप्त करते हैं, लेकिन 8 साल के बाद जो उनकी हाइट है वह उनकी कई सारे फैक्ट पर रिस्पॉन्सिबल हो जाती है। सबसे महत्वपूर्ण रिस्पॉन्सिबल फैक्ट होता है वह होता है बॉडी के हार्मोन्स। बॉडी में पाए जाने वाले ग्रोथ हार्मोन्स हाइट के लिए मुख्य रूप से रिस्पॉन्सिबल होता है। ग्रोथ हार्मोन्स जो कि हमारी ब्रेन में मौजूद पैट्यूटरी ग्लैंड, जिसको मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, उसके द्वारा सीक्रेट होने वाला एक हार्मोन्स है, जो हार्मोन्स बॉडी में टोटल फिजिकल हेल्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण ग्लैंड होता है थायराइड ग्लैंड। इसके अलावा जो अन्य हार्मोन्स हैं जो ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं वह होते हैं हमारे सेक्स हार्मोन्स। एक उम्र के बाद जबकि बॉडी में ग्रोथ होने लगती है तो उसके लिए पिट्यूटरी ग्लैंड के सीक्रेशन ग्रोथ हार्मोन्स या थायराइड के द्वारा सीक्रेट होने वाले T3, T4, ESH हार्मोन्स के अलावा सेक्स हार्मोन्स हैं जिनों की हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। लड़कियों की जो शुरुआती डेवलपमेंट है वह लड़कों के मुकाबले तेज होता है। लड़कियों में इसी वजह से प्यूबर्टी जल्दी आती है, उनके बॉडी में फिजिकल चेंजेस जल्दी आने लगते हैं। 8 साल से 12-15 साल तक लड़कियों में जो हाइट का रेशियो है वो लड़कों के मुकाबले ज़्यादा होता है। लड़कियां अपनी पूरी हाइट है वह 18 साल तक पूर्ण रूप से प्राप्त कर लेती हैं। लड़कों में जो ग्रोथ है वह लड़कियों के मुकाबले कुछ कम है। उनमें मैक्सिमम ऑप्टिमम जो हाइट है वह उनकी 18 के बजाय 18 से 21 साल तक भी हो सकती है। लड़के और लड़कियाँ अलग अलग एज में अपनी अपनी मैक्सिमम हाइट ले लेते हैं। कोई भी क्लिनिकल अगर इलनेस है जो लगातार पुबर्टी के पहले तक बॉडी में रही है तो ऐसी स्थिति में भी हाइट पर इफेक्ट आता है। अगर कोई न्यूट्रिशनल डाइट नहीं लेता है तो बॉडी में डेवलपमेंट के लिए जो मौजूदा सामान है, जो ज़रूरत है बॉडी को, मिनरल्स है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, कैल्शियम है, इन सारी चीज़ों की अगर समुचित सप्लाई बॉडी में नहीं रहती है या किसी वजह से किसी बीमारी से अगर इनकी सप्लाई प्रभावित होती है तो ऐसी स्थिति में भी हाइट डिस्टर्ब हो सकती है, हाइट कम हो सकती है। बॉडी में हाइट की प्रॉब्लम उन सारे लोगों के लिए भी दिक्कत पैदा करती है जिनके फैमिली हिस्ट्री में अंडर हाइट लोग रहे हैं या जिनकी फैमिली हिस्ट्री में हाइट कम रही है। कई सारे ऐसे लोग भी हैं जिनके माता पिता की हाइट कम है फिर भी उनकी हाइट कंपेरेटिव ज़्यादा है। ऐसी कंडीशन तभी हो सकती है जब उनके फोर फादर या फोर मदर की हाइट अच्छी रही हो। ऐसे पेरेंट्स के जो बच्चे हैं उनके बच्चों में भी हाइट अच्छी देखी गई है। जैसे कि अगर मैं सिंपल भाषा में कहूँ तो जिनके दादा दादी या नाना नानी की भी हाइट अच्छी रही है, उनके
माता पिता की हाइट अगर कम भी हो तो भी हाइट बढ़ने की पूरी संभावना हो सकती है। ऐसी अर्ली डिजीजेज हैं जो कि बच्चों में शुरुआती स्टेज में अगर हो जाएं तो ऐसे बच्चों में हाइट की संभावना कुछ कम हो जाती है, हाइट उनकी प्रॉपर नहीं हो पाती। मित्रों, हम आपको अगले वीडियो में एक ऐसा चार्ट बताएंगे जिससे आपको अपनी पूरी ऑप्टिमम हाइट की जानकारी कर सकते हैं कि हमारे 21 साल या 18 साल में कितनी हाइट होगी। ये फिलहाल मैं आपको अब बता रहा हूँ कि हाइट बढ़ाने के और वह कौन कौन से प्रोसेस हैं जिनके द्वारा हम हाइट को बढ़ा सकते हैं। मित्रों, हार्मोन्स जैसा कि हमने बताया सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है हाइट के लिए। इसके अलावा हमारी फैमिली हिस्ट्री भी हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल, हमारे लिए अगर कोई क्लिनिकल इलनेस है जैसा कि हमने अभी बताया है कि वो भी हमारे हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कई तरह की न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम भी हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। लेकिन मित्रों, एक सारी बात जो इन सब बातों के साथ है वह है हमारे खाने पीने की आदत। अगर बच्चों को हम अच्छी आदत दें जिससे उनके अंदर पूरी न्यूट्रिशनल अमाउंट जो उनकी बॉडी में उम्र के हिसाब से रिक्वायर्ड है अगर वह पहुंचती है तो हाइट बढ़ने की पूरी संभावना होती है। बच्चों को खाने पीने में संतुलित भोजन और उनके पूरे मेंटेनेंस के बारे में हमें सोचना पड़ेगा। उनके लिए खेलकूद के लिए, आउटिंग के लिए, एक्सरसाइज योगा के लिए हमें लगातार प्रेरित करना पड़ेगा। अगर बच्चों की अच्छी हाइट के बारे में हम सोचेंगे तो बच्चों के लिए बाहरी जो जंक फूड हैं जिनमें की केमिकल कंपोनेंट्स हैं, स्वाद बढ़ाने की कई सारी केमिकल डले हुए हैं, जो सारे जंक फूड को हमें बंद करना पड़ेगा। जंक फूड की वजह से कई सारे बच्चे हाइट के लिए नहीं पा पाते। इस तरह दोस्तों हमने आपको बताया कि कैसे हम अपने रूटीन को मेंटेन करके, अपनी डाइट को मेंटेन करके, अपने योगा प्राणायाम और एक्सरसाइज को अपने रूटीन में शामिल करके एक अच्छी हाइट को गेन कर सकते हैं। मित्रों, अब हम आपको बता रहे हैं कि वह कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन है जो हाइट को बढ़ा सकती हैं। मित्रों, हाइट को बढ़ाने के लिए हम एक शेड्यूल्ड होम्योपैथिक टोटल ट्रीटमेंट प्रिस्क्रिप्शन आपको दे रहे हैं। इसको लगातार 6 महीने तक उपयोग करने से आपकी हाइट जरूर बढ़ेगी। मित्रों, सबसे महत्वपूर्ण दवा है जो हाइट के लिए बढ़ाने की शुरुआती दवा है वह है ट्यूबरकुलिनम वनम। इसको मंथली एक बार एक डोज 2 बूंद खाली पेट सुबह लेना है। इसके 15 दिन बाद सिफलिनम 200 एक डोज खाली पेट लेना है। ट्यूबरकुलिनम वनम मंथली एक डोज रिपीट करना है। सिफलिनम 200 15 दिन के अंतर से रिपीट करना है। पर डे एक खुराक ब्राइटाकार 200 खाली पेट रोज सुबह एक बार लेना है। जिनकी फैमिली हिस्ट्री में किसी को भी थायराइड की प्रॉब्लम है उनके लिए वीकली एक खुराक आयोडियम 200 की भी लेना है। जिनके यहाँ कोई भी इस तरह की थायराइड की प्रॉब्लम नहीं है उनके लिए आयोडिनम 200 की खुराक नहीं लेना। इस तरह 3 दवाइयों का लगातार 6 महीने तक उपयोग करने से आपकी हाइट बढ़ेगी। अगर 6 महीने के बाद भी हाइट पर कोई आराम नहीं आता तो 6 महीने के आगे का हम ट्रीटमेंट आपको बता रहे हैं। उसमें आपको ट्यूबरकुलिनम 1 mg मंथली एक खुराक लेना है, सिफलिनम 200 एक खुराक हर 15 दिन में रिपीट करना है और थूजा 200 हर वीकली एक खुराक पूरे 3 महीने तक लगातार लेना है। इन 2 ट्रीटमेंट का हम उपयोग करके हाइट को अच्छे से ग्रोथ कर सकते हैं। मित्रों, अब हम आपको बता रहे हैं कि इन ट्रीटमेंट के साथ में एक और दवा है। दवा का नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड्स 3x टैबलेट। 2 गोली सुबह खाली पेट जिसको हम हर 2 दिन के अंतर से एक खुराक ले सकते हैं। मित्रों, इन सब के अलावा अगर हम लगातार अपनी हेल्थ का उपयोग करें, अपनी हेल्थ से रिलेटेड अच्छा खाना खाएं, अपने आप को स्वस्थ रखें, झूलने की एक्सरसाइज, लटकने की थोड़ी एक्सरसाइज करें, योगा करें। मित्रों, इन सब के अलावा SBL कंपनी में बहुत ही अच्छी कंपोजिशन है जिसको राइट हाइट करके बोलते हैं। राइट हाइट टैबलेट भी हाइट बढ़ाने के लिए उपयोग की जा सकती है। इसका उपयोग करने का ढंग उसके रैपर पर इंडिकेटेड है, उसके हिसाब से आप राइट हाइट टैबलेट को भी रेगुलर ले सकते हैं।
राइट हाइड टैबलेट को शाम के टाइम लेना है, सुबह के टाइम जो हमने इंडिकेटेड दवाएं बताई हैं उन्हीं के लिए लेना है। आपने हमारे वीडियो को अभी तक देखा है, आपने अगर हमारे वीडियो को पसंद किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, जिससे उनको भी इस हाइट बढ़ाने के फॉर्मूले की पूरी जानकारी हो और वह भी इस चीज़ से लाभ ले पाएँ।